हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको ना नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, ऐप्स, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, सिस्टम ऐप पर टैप करना है। पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको ना बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसी के नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि ये ब्लूटूथ का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर भी आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहाँ पर भी आपको नीचे ना क्लियर कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये भी आपका जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब देखिए, इस पेज में आपको नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आप दोबारा टैप करेंगे, तो इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।